जो 2019 जनवरी में पीजीटी और टीजीटी का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था, तो सर हमें क्या आप ये बता पाएंगे कि उसका रिजल्ट कब निकालेंगे? ये पीजीटी और टीजीटी का रिजल्ट हम लोग जल्दी निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और पीजीटी का हम लोग ये महीना के अंदर या तो लेटेस्ट बाई फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का निकाल देंगे, और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का और थोड़ा टाइम लगेगा। सर जैसे कि अभी 6 महीने हो चुके हैं, इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या है चेकिंग का, और ये क्यों इतना टाइम टेकिंग हो रहा है? हम लोग का जो एग्जाम रिटर्न होने के बाद तब हम लोग आंसर स्क्रिप्ट को कोडिंग करते हैं, कोडिंग करके देन हम लोग का इवेल्युएटर के पास भेज देते हैं। तो इसमें कोडिंग के लिए ही हम लोग का जो इतना कैंडिडेट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 2044 कैंडिडेट्स अपीयर किया था, और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 3497, दोनों मिल करके 5541 कैंडिडेट्स हैं। तो उसमें जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है सब में इंग्लिश, जनरल इंग्लिश होता है, देन अपना अपना ऑप्शनल पेपर होता है, ये दोनों मिल करके एक एक कैंडिडेट दो दो होता है, मतलब 5541 × 2, तो 11,082 पेपर्स हो जाए। इसको कोडिंग करना पड़ता है पेपर वाइज, कैंडिडेट वाइज, तो इसके लिए टाइम लग जाता है। हम लोग जब कोडिंग करने वाला एट एवरेज ऑफ 300 एक दिन में कर सकता है, और उसका दूसरा ड्यूटी भी होता है, तो इसमें पूरा कोडिंग में ही महीना भर लग जाता है। देन इसको चेकिंग के लिए जो दे देता है, एक इवेल्युएटर चेक करता है, देन अवार्ड शीट में मार्क देता है, वो ख़त्म होने के बाद दूसरा इवेल्युएटर को देता है, फिर उसका भी अवार्ड शीट के साथ यहाँ आ जाता है। वो आने के बाद हम लोग यहाँ टेबुलेशन करते हैं। टेबुलेशन होने से पहले एक टीम बना करके उसको चेक करता है कि सब क्वेश्चंस का मार्क जगह में वो जीरो या मिस नील नहीं रखा है, जीरो या कोई भी मार्क होना पड़ेगा, मतलब कोई कोई जगह में मार्क अवार्ड नहीं करके भी होता है, उसको हम लोग फिर से वापस भेज देते हैं। और यह भी होता है दो इवेल्युएटर का मार्क अलग अलग होता है, और दोनों का डिफरेंस 30 मार्क्स एंड अबव होने से तब हम लोग तीसरा इवेल्युएटर के पास भेजना पड़ता है, अदरवाइज दोनों का हम लोग एवरेज बना करके उसको दे देते हैं। ठीक है, तो सर क्या आप हमें ये बता पाएंगे कि टोटल वैकेंसी कितना है पीजीटी और टीजीटी में? टोटल वैकेंसी हम लोग का पोस्ट ग्रेजुएट का 127 है, और ट्रेन ग्रेजुएट का 540, टोटल मिला करके 667 पोस्ट। तो सर जैसे कि जितना भी कैंडिडेट अपीयर किए उनका कहना है कि ये रिजल्ट डिले हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो जो कैंडिडेट रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं? इसका हम लोग भी बहुत थोड़ा गंभीरता से ले रहा है, तो पब्लिक और कैंडिडेट को थोड़ा सब्र रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं जल्दी करने के लिए, लेकिन हम लोग का जो मैन पावर भी शॉर्टेज है, जो कोडिंग करने वाला है वो एक ही सोर्स है, फिर उसका हम लोग जो जितना आंसर आने के बाद उसको डाटा एंट्री का भी एक छोटा सा चैनल से गुजरना पड़ता है, एंड हम लोग का अदर एग्जाम्स आर सो मेनी आर देयर, वो एक ही चैनल से गुजरना पड़ता है, उसमें टाइम क्लॉक हो जाते हैं, लेकिन हम लोग का पीजीटी टीजीटी का हम लोग एकदम टॉप प्रेफरेंस दे रहे हैं। सर थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।